नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। सीधे ले चलते आपको देहरादून में, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बहुत दिल से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा, तो देहरादून से आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, तो आज कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। तो देहरादून से आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुना रहे थे हम। तो खबर देहरादून से, जहां पर उच्च शिक्षा विभाग का आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है। तो 7 से 8 दिसंबर तक ये कार्यक्रम होगा। तो उच्च शिक्षा विभाग का ये चिंतन शिविर 7 से 8 दिसंबर तक होने वाला है। तो सीएम धामी और धन सिंह रावत ने शिविर का शुभारंभ भी कर दिया है। तो शिविर में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद रहे। तो सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य भी शिविर में मौजूद रहे। तो शिविर में सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की समीक्षा हो रही है। तो शिविर में राज्य स्तरीय प्रत्यायन कार्यशाला की आयोजित किया गया है। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उच्च शिक्षा विभाग का आज से 2 दिवसीय कार्यक्रम है। तो चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। तो 7 से 8 दिसंबर तक उच्च शिक्षा विभाग का ये चिंतन शिविर चलने वाला है। तो सीएम धामी और धन सिंह रावत ने शिविर का शुभारंभ कर दिया है। तो शिविर में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद रहेंगे। तो सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य भी शिविर में मौजूद है। तो शिविर में सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की समीक्षा हो रही है। तो उच्च शिक्षा विभाग का आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है। 7 से 8 दिसंबर तक ये शिविर चलने वाला है। तो सीएम धामी और धन सिंह रावत ने शिविर का शुभारंभ कर दिया है। तो शिविर में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद है। तो वहीं सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य भी शिविर में मौजूद है। तो शिविर में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की समीक्षा हो रही है। तो शिविर में राज्य स्तरीय प्रत्यायन कार्यशाला भी आयोजित की गई है। तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक ऐसा मामला सामने आया है जो चर्चा का विषय बन गया। तो बारात लेकर दुल्हन के घर जा रहा दूल्हा अचानक रास्ते में धरने पर बैठ गया। तो देखते ही देखते उसके साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ भी धरने पर बैठ गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पूरे दिन ये चर्चा का ही विषय बना रहा है। तो क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में काठ गोदाम हेड़ाखेड़ा मार्ग बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शादियों के सीजन में गांव में आने जाने वाली बारातों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि हेड़ाखेड़ा से लेकर रीठा साहिब तक करीब 200 गांवों का सड़क मार्ग 15 नवंबर के बाद से बंद पड़ा है। तो वही सड़क से जुड़े मामले में अब कांग्रेस मुखर हो चुकी है। मंगलवार सुबह 10 बजे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सड़क को जल्द सुचारू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। तो उधर मंगलवार को ही कोटा बाग से आई बारात को क्षतिग्रस्त मार्ग से पहले ही उतरना पड़ा। तो वहीं दुल्हन के घर जाने वाली सड़क बंद देखकर अग्नि के साथ फेरे लेने से पहले खपा दूल्हा रोहित बिष्ट भी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ सड़क पर धरने में बैठ गया। फिर क्या, दूल्हे के धरने पर बैठने की खबर आग की तरह शहर भर में फैल गई और प्रदेश भर में फैल गई और अब हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी है। ये तो सड़क तो बहुत काफी टाइम से टूटी है, मगर ये बहुत टाइम से बनी नहीं है। हाँ। तो इसमें क्या कर सकते हैं, पैदल यात्रा करनी पड़ेगी सभी को। अच्छा। कहां जा रहे, कहां जा रहे? कोटा बाग से। हाँ। कोटा बाग से पथोली जाना है। पथोली गांव। अभी पैदल कितना बता रहे हैं? पैदल है 5-6 किलोमीटर। अच्छा, चढ़ाई है। हाँ, बस पैदल ही जाना है। तो दुल्हन लेके पैदल आएंगे वापस? हाँ। कौन से गांव में, कौन से गांव में जा रही है? पथोली गांव में जा रही है। संघर्ष कितना है? संघर्ष पे बहुत करना पड़ेगा। देखिए, काठधाम हेड़ा खान
सानी सिविलिया बैंड जिसका निर्माण कांग्रेस सरकार में किया गया था, स्वीकृत हुई और निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है आज इस क्षेत्र की महान जनता का, जिससे इस सड़क मार्ग से लगभग 90 गांव जुड़े हुए हैं और माध्यम यही मार्ग है, लेकिन पिछले महीने से यह सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, आवाजाही बंद हो चुकी है। तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष और दूल्हे को कि इस सड़क के खराब होने से किस तरह लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुछ देर बाद दूल्हा पूरी बारात के साथ क्षतिग्रस्त मार्ग पर खतरे के बीच लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर दुल्हन लेने पसौली गांव पहुंचा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर प्रशासन कब जागता है और इस सड़क को सही करने का काम कितनी जल्दी शुरू करवाता है। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फोटो को पोस्ट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की टोपी पहने नजर आ रहे हैं। तो सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ी टोपी प्रदेश की वृहद एवं समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। तो सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहाड़ी टोपी को वैश्विक स्थान पर उत्तराखंड की नई पहचान के रूप में प्रदर्शित किया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहाड़ी टोपी पहने हुए हैं। तो सीएम धामी ने इसमें कहा है कि पहाड़ी टोपी प्रदेश की वृहद और समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। तो सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहाड़ी टोपी को वैश्विक स्थान पर उत्तराखंड की नई पहचान के रूप में प्रदर्शित किया है। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी नेता लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धामी सरकार की बढ़ती हुई उपलब्धियों को विपक्ष देख नहीं पा रहा है, इसलिए उनके द्वारा सरकार को बदनाम करने के लिए टूलकिट का सहारा लिया जा रहा है। तो धामी सरकार को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के विधायक सभी एक सुर में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धामी सरकार प्रदेश में विकास के काम कर रही है, जनता को सरकार की योजनाओं का मिलने लगा है, तो लाभ मिलने लगा है, इसलिए विपक्ष के पास और कुछ नहीं बचा तो सरकार को बदनाम करने में ही जुट गई है। विपक्ष को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विपक्ष आपस में बहुत ज्यादा हराहत है, उनका जिस तरह से अब द्वंद्व चल रहा है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। विकास लगातार हो रहा है उत्तराखंड का और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और जब से मुख्यमंत्री बने हैं काफ़ी कुछ हुआ है और काफ़ी कुछ आगे भी होगा। तो मुझे लगता है कि विपक्ष एकदम कभी कभी आग बबूला हो जाता है, उनका दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, उनको करना भी चाहिए, इससे सरकार भी और सचेत होती है, किंतु उनके पास मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दा विहीन है। और धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ कांग्रेस का पुराना स्वभाव है, एक तो उन्हें सत्ता मिल नहीं रही इसलिए उनमें बौखलाहट है, और दूसरे अनेकों योजनाएं उनके पास सिर्फ बात करने के लिए हैं। वो शासन में रहे, देश में भी प्रदेश में भी, तब उनको कुछ ध्यान नहीं आता, लेकिन वो अच्छे विपक्ष बनने का प्रयास करते हैं, वो भी नहीं बन पा रहे। मुझे लगता है कभी टूल किट के माध्यम से, कभी अनेक आरोपों के माध्यम से, कभी किसी और उससे, उनके पास ना मुद्दे हैं ना उनको लेके चलने का आजकल मादा है। उनमें एक ही खासियत है कि वो आपस में अच्छा लड़ सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून आ रही है। तो राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है। तो सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड उनके स्वागत के लिए
पूरी तरह से तैयार है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। तो साथ ही साथ मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में भी वो शिरकत करने वाली है। तो सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रपति पहली बार उत्तराखंड आ रही है और राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है, लिहाजा स्वागत के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सभी तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया गया है। हमारे लिए बड़ा शुभ क्षण है और माननीय राष्ट्रपति जी 8 और 9 तारीख को 2 दिन के प्रवास पर उत्तराखंड आ रही हैं, तो उसमें उनके अनेक कार्यक्रम हैं, जहां एक सिविक रिसेप्शन होना है, राजभवन में उनके कार्यक्रम होने हैं, दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होना है, लवासना में भी कार्यक्रम है, तो हम सब उन्हीं की प्रतीक्षा में कर रहे हैं। तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, बहुत भव्य होगा, हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे लिए बड़ा शुभ क्षण है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पहाड़ी इलाकों में हो रहे हमलों पर चिंता जाहिर की है। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वन अधिनियम के बदलाव को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि गुलदार के बढ़ते हुए हमलों को देखते हुए सकारात्मक निर्णय लेने की आवश्यकता भी है। साथ ही वन विभाग द्वारा गुलदार प्रभावित जो इलाके हैं उसमें गश्त बढ़ाने, उपकरणों और कर्मचारियों में भी बढ़ोतरी हो, इस पर भी कार्य किया जाएगा ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार गुलदार के हमलों को रोका जा सके। देखिए, मेरे क्षेत्र में तो अभी तक जो भी घटना हुई है तो तुरंत वन विभाग ने जो है जो बाघ है उनको पकड़ने का भी काम किया है, लेकिन अभी तक जो वन अधिनियम है उसमें कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा हमें ताकि लोगों को कम से कम दिक्कतें हों। तो मुझे लगता है कि उसको कैबिनेट में लाने की भी बात चल रही है और वन मंत्री से मैंने भी खुद बात की है और अभी ये भी बात आ रही है कि भाई हम थोड़ा से वन विभाग में जितने कार्मिक हैं उनकी गश्त भी बढ़ाई जाए। तो वहीं पिछले दिनों मसूरी में हुए सरकार और शासन के चिंतन शिविर को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही इस चिंतन शिविर का असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्य की सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में विकास की योजनाएं संचालित लगातार करती जा रही है। ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि उन विकास योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द प्रदेश की जनता को भी मिल सके। तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने आगे कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दशक को उत्तराखंड का बताया है, तो ऐसे में सरकार की भी यही कोशिशें हैं कि विकास की योजनाओं से राज्य की जनता को साबित किया जाए कि जिससे जनता को डबल इंजन की सरकार के कार्यों का प्रभाव भी देखने को मिल सके। उत्तराखंड प्रदेश अब अपने 25 वर्ष में प्रवेश कर रहा है और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, ये जो शताब्दी है, ये सदी जो है, ये उत्तराखंड की सदी है। निश्चित रूप से उत्तराखंड आत्मनिर्भर राज्य बने और हमारे प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक न्याय पंचायत तक विकास के जो काम हैं वो बेहतर ढंग से हो सके, जो प्राथमिक ज़रूरतें जो हैं क्षेत्र की वो बेहतर हो सके, इन सब चीज़ों में विधायकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और निश्चित रूप से जब विधायक लोग इस चिंतन शिविर में आएंगे, अपनी अपने क्षेत्रों की बातें वो चिंतन शिविर में रखेंगे, तो एक बेहतर रोड मॉडल, एक बेहतर काम करने का हम जो मैप है वो उत्तराखंड के लिए तैयार कर सकते हैं। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।